तीसरे लूनर मिशन चंद्रयान 3 चांद की ओर एक और स्टेप आगे बढ़ चुका है। शुक्रवार को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूलर से अलग होने के बाद लैंडर खुद ही आगे की दूरी तय कर रहा है। शुक्रवार 18 अगस्त को लैंडर मॉड्यूलर डीबूस्टिंग यानी उसकी स्पीड धीमी की गई। अब ये चंद्रमा की थोड़ी निचली कक्षा में उतर गया है। इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसरो ने बताया कि लैंडर मॉड्यूलर अच्छी स्थिति में है। इसने सफलतापूर्वक डीबूस्टिंग ऑपरेशन किया जिससे इसकी कक्षा 113 किलोमीटर / 157 किलोमीटर कम हो गई। दूसरा डीबूस्टिंग ऑपरेशन 20 अगस्त 2023 के लिए निर्धारित किया गया है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अब 113 / 157 किलोमीटर की कक्षा में आ गया है, यानी अब इसकी चंद्रमा से सबसे कम दूरी 113 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 157 किलोमीटर है। इसरो ने डीबूस्टिंग के जरिए चंद्रमा की कक्षा घटाई है। इसरो अब डीबूस्टिंग का दूसरा ऑपरेशन 20 अगस्त को रात 2 बजे परफॉर्म करेगा। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को शाम 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिल जाती है यानी मिशन कामयाब होता है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रयान पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेस क्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चांग ई 3 मिशन के साथ अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। कब हुई लॉन्चिंग? चंद्रयान 2 के फेल होने के 4 साल बाद इसरो ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 बजे चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया। 22 दिन के सफर के बाद 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 बजे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। तब इसकी स्पीड कम की गई थी ताकि यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके। स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने स्पेसक्राफ्ट के फेस को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किए थे। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।